बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस यूनिट नंबर 6 एफ। एफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू। ये जो लाइन है पोएम का, इस लाइन के एंड पे आइडिया कंप्लीट नहीं है। जब भी किसी पोएम की लाइन के एंड पे आइडिया कंप्लीट ना हो बल्कि नेक्स्ट लाइन तक एक्सटेंड हो, इसको हम कहते हैं एंजेमेंट। तो एंजेमेंट यूज़ हुआ है यहाँ पर। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, इट मींस इफ़ यू कैन रिमेन कूल, इफ़ यू कैन रिमेन कॉम, इफ़ यू कैन रिमेन रिलैक्स्ड। कंडीशन बता रहा है राइटर अपने सन प्रॉबली या कोई भी ऑडियंस हो सकता है एड्रेस कर रहा है। दिस इज़ अ डाइडेक्टिक पोएम। डाइडेक्टिक पोएम इज़ अ पोएम इन विच देयर इज़ अ लेसन एंड एडवाइस। कोई एडवाइस हो, कोई लेसन हो किसी पोएम में, उसको हम कहते हैं डाइडेक्टिक पोएम। इसमें राइटर अपने सन या कोई भी ऑडियंस हो सकते हैं। आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू व्हेन ऑल द अदर पीपल आर लूजिंग देयर टेम्पर। बाकी लोग गुस्सा हो रहे हो, अपनी टेम्पर लॉस कर रहे हो और उसका ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप को कूल रखे, कॉम रखे, रिलैक्स रखे। कंडीशन बता रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा, वो आगे फिर डिस्कस होगा। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू, इफ़ यू हैव अ फर्म बिलीव इन योर सेल्फ इवन वेन ऑल द अदर पीपल हैव डाउट ओवर यू, हैव नेगेटिव इम्प्रेशन अबाउट यू, डू नॉट ट्रस्ट यू। दूसरे लोग आपको ट्रस्ट ना कर रहे हो, आपके ऊपर वो डाउट कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपका अपने ऊपर एक फर्म बिलीफ हो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो। बट मेक अलाउंस। अलाउंस मीन्स आप एक्नॉलेज करें अगर उनकी नेगेटिव कमेंट्स जो है, उनके डाउटिंग जो है वो जस्टिफाइड है, तो आप उसको एक्नॉलेज करें, उनसे सीखें। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड, टायर्ड मीन्स एग्जॉस्टेड, वेयर इट, ताकि अब वेट से आप को थकावट ना होती हो, वेट कर सकते हो। इफ़ यू आर पेशनेट इनफ टू वेट फॉर द राइट टाइम। आर बींग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। इफ़ यू आर टोल्ड अ लाई, यू डोंट डील इन लाई इन रिटर्न, यू डोंट लाई इन रिटर्न। आपको कोई झूठ बोले लेकिन आप जो आप में झूठ ना बोलें, झूठ का सहारा ना लें। आर बींग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। इसी तरह आपसे नफरत करे कोई लेकिन आप नफरत ना करें। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टू वाइज, यू शुड बी मॉडरेट, यू शुड नॉट बी एट एक्सट्रीम पॉइंट। ना हद से ज़्यादा अच्छे, ना हद से ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश ना करें, मॉडरेट पॉइंट पर रहे। तो कंडीशंस बताए, अब इन कंडीशंस का रिजल्ट क्या होगा वो आगे डिस्कस होगा। यहाँ पर डोंट लुक टू गुड वो साउंड्स की रिपीटेशन है। साउंड्स की जब रिपीटेशन हो एक लाइन में, इसको हम कहते हैं इलिट्रेशन। और अगर फिर वो वाविल साउंड हो तो फिर एजुनेंस होगा। ये चूंकि वाविल साउंड्स है तो ये एजुनेंस है। इसके अलावा एक और फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पर यूज्ड है वो ये देखिए, एफ़ यू यहाँ पर रिपीट हुआ है, यहाँ पर अगेन एफ़ यू रिपीट हुआ है, यहाँ पर अगेन एफ़ यू रिपीट हुआ है। तो जब भी किसी पोएम की लाइंस, डिफरेंट लाइंस की स्टार्ट में कोई वर्ड या एक्सप्रेशन रिपीट हो जाए, इसको हम कहते हैं एनाफोरा। वेन एवर अ वर्ड आर इन एक्सप्रेशन इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ द डिफरेंट लाइंस ऑफ अ पोएम, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज एनाफोरा। इफ़ यू एनाफोरा यूज हुआ है। सेकेंड स्टेंजा, इफ़ यू कैन ड्रीम। अब ड्रीम के बाद ये एक पंक्चुएशन मार्क यूज है, किसी भी लाइन की मिड में ब्रेक आ जाए। इससे शोरा लास्ट पोएम में भी मैंने बताया था। एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। एंड नाउ इफ़ यू कैन हैव ड्रीम्स बट नॉट अलाउ योर ड्रीम्स टू ओवरकम यू। आप ड्रीम्स आपके हो लेकिन ड्रीम्स को आप अपने आप पर ओवरकम होने ना दें। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थाट्स योर एम। इसी तरह आप थिंकिंग करें लेकिन थिंकिंग ही आपका मकसद ना हो। इफ़ यू कैन मीट वे ट्रायम्प इन डिज़ास्टर। ट्रायम्प इन डिज़ास्टर के इनिशियल लेटर्स कैपिटल है बिकॉज दीज आर पर्सनिफाइड। वेन एवर वर्ल्ड इज पर्सनिफाइड इट्स इनिशियल लेटर इज कैपिटलाइज। जिस तरह द सी डेट बेयर्स हर बॉसम, वहाँ पर सी का इनिशियल लेटर कैपिटल था। तो यहाँ पर मिलना, अब मिलना जो है वो इंसानों की क्वालिटी है। यहाँ पर ये क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग्स ट्रायम्प एंड डिज़ास्टर को दी गई है। इट मींस दीज टू आर पर्सनिफाइड, इसलिए इसकी इनिशियल लेटर्स कैपिटल है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर मीन एनीथिंग दैट हैज़
नेगेटिव आर इन एडवर्स आर फॉल्स आइडेंटिटी। फॉल्स आइडेंटिटी फ्रॉडुलेंट, किसी भी चीज़ या बंदे की फॉल्स आइडेंटिटी, उसको हम कहते हैं इम्पोस्टर। तो नेक्स्ट कंडीशन बता रहा है कि आप ड्रीमिंग करें लेकिन ड्रीम को अपने आप पर ओवरकम होने ना दें, आपकी थाट्स हो लेकिन थाट्स आपका मकसद ना हो, एक्शंस होने चाहिए थाट्स के बाद। फिर ट्रायम्फ और डिज़ास्टर को आप इक्वली ट्रीट करें, इक्वली फेस करें, चाहे आपकी जीत हो हार हो, सिचुएशन को आप टैकल करें इक्वली। इफ़ यू कैन बियर, बियर मीन बर्दाश्त करना, टॉलरेट, टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन चेंज्ड, मॉडिफाइड, अल्टर्ड, आपने कोई बात कही हो, नेब्स मीन रास्कल्स, बदमाश, आपने कोई बात कही है, दूसरे लोग उसमें मॉडिफिकेशन करें, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन आप में ये हिम्मत हो, बर्दाश्त हो कि आप उसको सुन सकें, आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकें। आर वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, ब्रोकन मीन डैमेज, डिस्ट्रॉयड, आपने किसी चीज़ को अपनी सारी ज़िंदगी दी है, वो बिखर जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, आप में बर्दाश्त हो कि आप दोबारा से स्टार्ट करें। स्टूप मीन्स बेंट एंड बिल्ड देम, वही चीज़ को आप दोबारा से बनाने की हिम्मत, कॉन्फिडेंस रखते हो। विद वॉन आउट टूल्स, वॉन आउट मीन यूज्ड, तो इस स्टेंजा में भी कंडीशंस बता रहा है कि आप में हिम्मत हो कि आपकी कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए जिसको आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया होता है, तो दोबारा से आप उसको बनाएं, आपने कोई बात कही हो कोई और उसमें चेंजेस करके प्रेजेंट करें, आप उसको बर्दाश्त करें, ट्रायम्फ और डिज़ास्टर को इक्वली ट्रीट करें, आपकी ड्रीम्स हो लेकिन ड्रीम्स आप पर ओवरकम ना करें, और इसी तरह थाट्स आपकी हो लेकिन वो आपका मकसद ना हो, एक्शंस आपका मकसद हो। ये जो है वन आउट टूल्स, तो वन आउट टूल्स में यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म इज़ वेन एवर कंक्रीट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स इन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई कंक्रीट थिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंग को रिप्रेजेंट करे, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, इसको हम कहते हैं सिम्बॉलिज्म। फॉर एग्जांपल वाइट फ्लैग, वाइट झंडा जो है ये पीस को रिप्रेजेंट करता है, तो वाइट फ्लैग, वाइट झंडा कंक्रीट है और पीस एब्स्ट्रैक्ट है। इसी तरह यहाँ पर वन आउट टूल्स, टूल जो है ये कंक्रीट है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस को, ट्रस्ट को, बिलीफ को, तो ये कॉन्फिडेंस, बिलीफ, ट्रस्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सिम्बॉलिज्म है। इसके अलावा ये जो है ट्रीट दीज टू, यहाँ पर साउंड जो है रिपीट हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि इलिट्रेशन की एक टाइप है। नेक्स्ट स्टैंजा डिस्कस करते हैं। इफ़ यू कैन मेक वन हीप, हीप मीन्स अ लार्ज बंडल of all your winnings, winnings mean achievements, in risk it on one turn of pitch and loss, pitch and loss is a risky game, in lose and start again at your beginnings, and never breathe, breathe yahan par is a verb use hua hai, say a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew, nerve blood vessels, sinew muscle ko kehte hain, yahan par ye jo hai heart, nerve and sinew, ye yahan par इंसान की बॉडी के पार्ट्स है, ये बॉडी के पार्ट्स इंसान की फुल एग्जिस्टेंस को रेफर करता है, रिप्रेजेंट करता है। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं सिनेक्डिकी, सिनेक्डिकी एज अ पार्ट वोल या वोल पार्ट रिलेशन, हम पार्ट मेंशन करें वोल की मीनिंग ले, वोल मेंशन करके पार्ट की मीनिंग ले, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं सिनेक्डिकी। फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम कहते हैं पाकिस्तान बीट इंडिया, इट मीन्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम बीट इंडियन क्रिकेट टीम, तो होल मेंशन करके हम पार्ट की मीनिंग, या हम कहते हैं हम इसका हाथ मांगने हैं, हाथ मांगने का है, मतलब है रिश्ता मांगने आए हैं। इसी तरह यहाँ पर हार्ट, नर्व एंड सीने पार्ट्स है, ये फुल एग्जिस्टेंस को रेफर कर रहा है, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको हम कहेंगे सेनेक डकी। इसकी स्पेलिंग है एस आई एन, ये स्पेलिंग है इसकी SYNECDOCHE, सिनेक्डकी। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे हैव गॉन, टू प्ले योर रोल, टू परफॉर्म योर रोल, ताकि आपकी जो
हार्ड नर्व एंड मतलब आप अपनी फुल एग्जिस्टेंस को दोबारा कन्वेंस परसुएट कर सकते हो कि परफॉर्मेंस दे, दोबारा से स्टार्ट करे। आप लॉस कर जाए अपनी सारी अचीवमेंट्स किसी रेस की गेम में, लेकिन आपकी जो फुल एग्जिस्टेंस है, आपकी जो हार्ड नर्व एंड स्लिप है, ये आपको कन्वेंस करे, परसुएट करे कि आप दोबारा से अपनी रोल परफॉर्म करें, दोबारा से अपनी अचीवमेंट स्टार्ट करें। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, होल्ड ऑन मीन परसिवियर, कंटिन्यू योर स्ट्रगल डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किलात के बावजूद अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखिए। एक्सेप्ट द वेल, वेल मीन्स इंटरनल पावर स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर वेल का इनिशियल लेटर कैपिटल, इट मीन्स इट इज़ पर्सनिफाइड, क्यू विच सेज। अब वेल जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, और सेज जो क्वालिटी है, जो ट्रेट है, ये लिविंग थिंग्स की है। यहाँ पर ये क्वालिटीज़ नॉन लिविंग थिंग के साथ एसोसिएट की गई, इट मीन्स पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन इज़ वेन एवर द ट्रेट्स द क्वालिटीज़ ऑफ अ लिविंग थिंग इज़ एसोसिएटेड विद आर एसोसिएटेड टू द नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वाली क्वालिटीज़ जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एसोसिएट की जाए, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। और जब कोई चीज़ पर्सनिफाइड हो, उसके इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। ऑलरेडी मैंने बताया, सेज ह्यूमन ट्रेड्स है, क्वालिटीज़ है, वेल को नॉन लिविंग थिंग को एसोसिएट की गई, पर्सनिफिकेशन है, तो इनिशियल लेटर कैपिटल है। होल्ड ऑन मीन कंटिन्यू योर स्ट्रगल, डोंट गिव अप, परसिवियर। इस स्टेंजा में राइटर बता रहा है कि आपने अचीवमेंट्स की है, उस तमाम अचीवमेंट्स का आप एक बंडल बना के उसके ऊपर एक रिस्की गेम के लिए, और लेट सपोज आप हार जाए, तो आप कंप्लेन ना करें अपनी लॉस के बारे में, बल्कि दोबारा से स्टार्ट करें अपने नर्व, हार्ट एंड सिने, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस को परसुएट करें। और इसी तरह आपके पास कुछ भी ना हो, बल्कि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ आपके पास हो, जो आपको कन्वेंस करे, आपको एडवाइस करे कि आप अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखें डिफ़िकल्टीज की बावजूद। नेक्स्ट पढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, इफ़ यू आर इन द कॉमन पीपल एंड यू मेंटेन योर स्टेटस, कॉमन लोगों में आप होते हैं लेकिन अपनी स्टेटस को मेंटेन रखिए। आर वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, एंड इफ़ यू आर इन द कंपनी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक पीपल, यू डू नॉट लूज योर रिलेशन विद द कॉमन पीपल। चाहे आप क्राउड में रहे, चाहे आप किंग्स में रहे, आप अपनी रिलेशन बाकियों के साथ लूज़ ना करें। मतलब अगर आप क्राउड में हैं तो अपनी स्टेटस मेंटेन रखिए, किंग्स के साथ है तो कॉमन लोगों के साथ अपनी रिलेशन बरकरार रखिए। अगेन एक कंडीशन बता रहा है, इफ नीदर फोज मीन एनिमीज़, आपके दुश्मन नार योर फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, नार योर लविंग फ्रेंड्स हर्ट यू, इफ न तो आपके दुश्मन ना आपके दोस्त आपको नुकसान पहुँचा सकते हो। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नॉट टू मच, इफ ऑल मैन हैव वर्थ वैल्यू बट द वैल्यू शुड बी वॉट दे डिज़र्व, ऐसी वैल्यू हो जो वो डिज़र्व करते हो, हद से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस वैल्यू वर्थ ना दे। अगेन कंडीशंस बता रहा है कि अगर आप हर किसी की वर्थ इम्पोर्टेंस एक्नॉलेज करें, लेकिन हद से ज़्यादा ना हो, विद इन लिमिट्स हो, जो वो डिज़र्व करते हो वही आप उनको रिस्पेक्ट दे, इम्पोर्टेंस दे, वर्थ दे, वैल्यू दे। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस, इसी तरह आप हर एक मोमेंट को यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉपरली, क्योंकि एक लम्हा मोमेंट अगर वंस गॉन इट नेवर रिटर्न्स, एक बार अगर कोई मोमेंट टाइम आप प्रॉपरली यूटिलाइज ना करें तो सेकंड चांस आपको नहीं देगा, इसलिए इसको कहा गया अनफॉरगिविंग मिनट। लास्ट कंडीशन ये बता रहा है कि अगर आप हर एक लम्हे, हर एक मोमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, तो ये डिफरेंट कंडीशंस बताने के बाद आखिर में राइटर इसका रिजल्ट बता रहा है, यूअर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, ऑल द वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली यूज है, एग्जाजरेशन है, तो जब हम बात को बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करें इसको हम कहते हैं हाइपरबली, एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट। ज़रूरी नहीं है ये इस तरह पॉसिबल हो। एंड विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन माई सन, इसी तरह यू विल बी अ रियल जेंटलमैन। तो डिफरेंट कंडीशंस बताने के बाद राइटर बता रहा है कि अगर ये सारे क्वालिटीज़ आप पोजेस करें तो यू विल रूल द वर्ल्ड, दुनिया पे आप राज करेंगे, हुकूमत करेंगे और एक रियल जेंटलमैन होंगे।
डायडेक्टिक पोएम है, राइटर अपने सन को या कोई भी ऑडियंस हो सकता है उसको एडवाइस कर रहा है, एक लेसन दे रहा है, क्वालिटीज़ डिफरेंट कंडीशंस की लिस्ट बता रहे और फिर उसका रिजल्ट बता रहा है। कंडीशंस में उसने स्टार्ट में कहा कि आप कूल काम रहे, बेशक दूसरे आपको ब्लेम करें, आप अपने आप पर ट्रस्ट करें, बेशक दूसरे ना ट्रस्ट कर रहे हो लेकिन उनकी ट्रस्ट को आप कंसिडर ज़रूर करें, जस्टिफाइड हो तो उसी सी के वेट कर सकते हो, वेट से आप एग्जॉस्ट नहीं होते। इसी तरह दूसरे झूठ बोले लेकिन आप झूठ का सहारा ना दें, नफरत करें आपसे, आप जॉब में नफरत ना करें, एक्सट्रीम पॉइंट पे ना जाए, ना हद से ज़्यादा अच्छे, ना हद से ज़्यादा करें, और मॉडरेट रहे। ड्रीम्स आपके हो लेकिन ड्रीम्स आपको ओवरकम ना करें, आपकी थिंकिंग लेकिन थिंकिंग आपका मकसद ना हो, ट्रायम डिज़ास्टर को इक्वली आप ट्रीट करें। आपने कोई बात कही हो दूसरी रॉस्कल्स उसको मॉडिफाई करके अपने लिए इस्तेमाल करें लेकिन आप टॉलरेंट हो, बर्दाश्त कर सकते हो। कोई चीज़ आपने बनाई है ख़त्म हो जाए, दोबारा से आप बना सकते हो, कॉन्फिडेंस आपका हो, दोबारा आप में बिलीफ हो, ट्रस्ट हो। इसी तरह आपने तमाम तरह अचीवमेंट्स का आप एक हीप ढेर बना के उसके ऊपर रेस की गेम के लिए आप लेट सपोज हार जाए, दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो, कंप्लेन ना करें, दोबारा अपने आप कन्विंस करें, दोबारा से स्टार्ट करें। और फिर लास्ट एंजाम में बताते हैं आप क्राउड्स में हो तो अपनी वर्चू, अपनी इमेज, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन रखिए, किंग्स के साथ हो तो कामन लोगों के साथ रिलेशन, ना दोस्त ना आपकी दुश्मन आपको हर्ट कर सकते हो, हर किसी की वर्थ अप्रिशिएट करें आप लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, जितना वो डिज़र्व करते हो, हर एक लम्हे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। तो ये सारे कंडीशंस के बाद उसका रिज़ल्ट बताता है कि आप रूल करेंगे दुनिया, आपकी ये सारी चीज़ें आपकी होंगी, मतलब यू विल पोजेस ईच एंड एवरी थिंग। तो ये यूनिट नंबर 6 एफ पोएम बाय रुडयार्ड किपलिंग, जो कि एक डायडेक्टिक पोएम था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट नंबर 7 डिस्कस करूँगा।